पंजाब विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। सत्र के शुरू होते ही आम आदमी पार्टी और अकाली दल के विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। आप विधायकों ने वेल में आकर अकाली भाजपा के खिलाफ नारेबाजी कर हंगामा खड़ा कर दिया। अकाली दल ने किसान कर्ज माफी को लेकर सदन में नारेबाजी शुरू की तो आपने अकाली विधायक विक्रम सिंह मजेठिया के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग को लेकर, इस दौरान नशा तस्करी के आरोपों पर सुखपाल खेरा ने सुखबीर बादल को दी चुनौती देते हुए कहा कि मैं सीबीआई जांच के लिए तैयार हूं, ऐसे में बादल और मजेठिया की भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। सुखपाल खेरा ने कहा कि दोनों के दोनों चोर हैं, इसलिए जांच से भाग रहे हैं। बहुत बड़ा घोटाला कढ़िया वा जिदे विच इल्जाम लग रहा कि मेरी रिविजन पटीशन डिसमिस करने लई एक दलाल ने एक मानयोग हाई कोर्ट के जज साहब नूं 35 लाख दिता। असी स्पीकर साहब नूं लिख के एडजर्नमेंट मोशन दिता सीगा। इट्स अ सेंसेशनल, इट्स अ बर्निंग इशू, ताजा मसला, उहदे ते एडजर्नमेंट एडजर्न करके हाउस नूं पहला उहदे ते बहस कराओ, क्योंकि सानूं शुभा वा कि मेरा पोलिटिकल करियर खत्म कर लई, लोक इंसाफ पार्टी ते आम आदमी पार्टी नूं दा दी होंद मिटाउण लई राणा गुरजीत, सुखबीर बादल, ये जड़े वड्डे वड्डे ताकतवर दलाल ने, इन्होंने अमित चौधरी नाल लड़ के साडे खिलाफ ये जड़ा 35 लाख रुपया दिता। गवर्नर साहब नूं मिले हां, चीफ जस्टिस को जावांगे, हाउस विच अंदर शोर मचावांगे कि इसकी जांच होनी चाहिए, और नाल मैं कह रहा वा कि मेरे खिलाफ सीबीआई की जांच होनी चाहिए कि विक्रम मजीठिया विच दम है कि वह नशियां के मामले में लैके अपने खिलाफ जांच मंग सकता वा। मैं सदन में कहने को तैयार हाँ, मैं चीफ मिनिस्टर को मिलकर कह के हाँ, लेकिन वो भजदे ने क्योंकि चोर ने, असी लड़ते हैं क्योंकि सच्चे हैं, इसलिए असी एक मसला लगातार उठाते रहेंगे। उधर हंगामे का ठीकरा सीएम अमरेंद्र सिंह ने विपक्षी दलों पर फोड़ा। कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने कहा कि विपक्षी पार्टी सदन का समय बर्बाद कर रही है, दोनों आपस में झगड़ा कर पंजाब की जनता के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। तैयारी है पंजाब सरकार दियां जिहड़े पंजाब नूं दोबारा पैरां ते खड़ा करन लई जो कुछ पिछले कुछ सैशन तो लैके हुण तक कीता आ उह सदन दे विच रखांगे, और पंजाब दे लोकां नूं जो वादे कीते आ उहनां मुताबक जिस तरीके की तैयारी पंजाब सरकार कर रही है उहनां वादियां नूं पूरा करन दी, उहदा सारा कुछ आ। तैयारी दा किहड़ा इहदे च कम है, तां साडी असी लोकां दे इम्तिहान दे वास्ते आए हैं। पर विरोधी धिर अकाली दल और आम आदमी पार्टी कहते तुम बहस तो भज रहे हो, तुम तीन सीटिंग रखी थी, तिना चो भी दो करती, एक अज की भी खत्म करती, गल इदा आ। मेरी उन्होंने बेनती है कि वो हाउस के बैठ के बहस कर, जिहड़ी कोई गल बहस करने वाली है वह कर, जे लोड़ पेगी तो फिर वेख लेंगे, तो जे उन्होंने आपस में कावा रौली पा के टाइम खराब करके बाहर आना आ तो फिर उन्होंने मर्जी है, उत्थे तो बैठते नहीं गए, उत्थे तो एक दूजे नाल लड़न लग जांदे, उत्थे चंगी तरह बैठ के बहस कर, अपने मुद्दे उठाउण, उत्थे लोकां दीआं गल्लां करन, उत्थे तो एक दूजे ते लांछन ला के इन्हां ने जिंदाबाद मुर्दाबाद करनी, तुसीं वेख लिओ हुण अंदर की होणा। गल इह है पंजाब च 10 सालां दे विच उन्हां ने कम रोक के ही रख्या, 10 सालां च कीता की है सवाए अपनियां जेबां भरन तों। मजीठिया अमीर हो गया, सुखबीर बादल अमीर हो गया, उहदा जवाई उहनां दा अमीर हो गया, किसे कोई उहनां दा चाचा अमीर हो गया, पंजाब दा तां कम 10 साल तो रोक के इत्थे कम रोक लैणगे, ते इहनां दा इहनां इह ते इहनां दा कम है, इहनां ने कोई नवीं गल थोड़ा करनी। पक्ष विपक्ष के बीच हो रहे हंगामे से जनता का भला होने वाला नहीं, निसंदेह हंगामे की वजह से जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।